सवाल ये आता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इंटरनेट में काफी लोगों के 17 इंच कन्वर्जन देखने के बाद पता चला कि बैंगलोर में एक कंपनी है जो 17 इंच के ट्यूबलेस रिम बनाती है, डिज्मोटेक। अब इस कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी? इसके तीन मेन रीजन थे। पहला, टायर जो है वो ट्यूबलेस हो जाएगा। दूसरा, 17 इंच में टायर की वाइड रेंज और अवेलेबिलिटी है। और तीसरा, बाइक की सीट हाइट रिड्यूस हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं शेयर कर रहा हूँ। पूरा प्रोसेस जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू हुआ था। ऑर्डर प्लेस करने के काफी टाइम तक मुझे मेरा रिम रिसीव नहीं हुआ और ये लोग व्हाट्सएप पे भी एक्टिवली रिप्लाई नहीं दे रहे थे। कुछ टाइम बाद मुझे एक रिम रिसीव होता है जो कि किसी और का ऑर्डर था, तो मेरा डुअल पेंट वाला रिम मिजोरम और उसका रिम मेरे पास पहुंच गया। फिर इन लोगों से बात करके एक दूसरे का रिम रिटर्न प्रोसेस में डालकर कुरियर करवा दिया। फाइनली मेरा रिम पहुंचता है, बट नॉट इन अ गुड कंडीशन। पार्सल की पूरी पैकेजिंग डैमेज थी, बॉक्स जो था वो जगह जगह से फटा हुआ भी था, रिम में काफी सारे डेंट्स और स्क्रैचेस दिख रहे थे और पेंट का भी इश्यू दिख रहा था। ऊपर से इसके साथ जो स्पोक्स ऑर्डर किए थे उसमें एक स्पोक कम था। अब ये रिम जो मैंने रिसीव किया वो उस बंदे ने कुरियर किया था जिसका रिम मेरे पास आ गया था। गलती चाहे किसी की भी हो पर सफर मुझे करना पड़ रहा था। तो फिर से डिज्मो वालों से बात करके रिम को मैंने एक्सचेंज के लिए बैंगलोर कुरियर करवा दिया। अब फिर से वेटिंग पीरियड शुरू। पर इस बीच मैंने रॉयल एनफील्ड के शोरूम से मीटियोर का रेयर अलॉय व्हील खरीद लिया। येलो इंटरसेप्टर में डायरेक्ट फिट होता है और काफी लोगों ने इसे इंप्लीमेंट भी कर रखा है। साथ में फ्रंट रिम के लिए हब भी चाहिए था जो मैंने आरी के ही शोरूम से अरेंज करवा लिया। आफ्टर गोइंग थ्रू मेनी रिव्यूज मैंने अपोलो एल्फा H1 का मन बना लिया और फिर चौधरी एसोसिएट्स जो कि देहरादून में ही है वहां जाकर टायर का एक सेट परचेज कर लिया। साइज जो मैंने सेलेक्ट किया वो बाइक के लिए ना ज्यादा बड़ा है और ना ही छोटा, तो फ्रंट 110/70/17 और रेयर 150/60/17। कुछ टाइम बाद मुझे एक्सचेंज वाला रिम रिसीव होता है विद ऑल 36 स्पोक्स एंड स्पेसर्स। काफी लोगों को फ्रंट ट्यूबलेस रिम लगाने में इश्यू आ रहा था, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए डिज्मो वालों ने रिम के साथ स्पेसर्स भी भेज रखे थे। नाउ दिस टाइम पैकेजिंग वाज डिसेंट, पर उन्होंने वही वाला रिम रिपेयर करके वापस भेजा था। चलो कोई नहीं, पर फाइनली रिम तो आया। अब रिम को चांद भाई के यहां से असेंबल करवाने के बाद बस टायर लगाने की बारी थी। ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस 17 इंच कन्वर्जन का। अब ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए राइड सेफ।